लोगों को नमस्कार, मैं सैयद उस्मान अली चेन्नई से। आज मैं आपको ले आया हूँ कुंग फू स्टिक फॉर्म, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस गौर से देखें और प्रैक्टिस करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। पहले आप दो पैर को जोड़ के रखिए और हैंड क्लेंच करिए, स्टिक को पोजीशन में पकड़िए और यहाँ से लेकर एक स्मॉल किक करिए और रोटेट करके कैच कर लीजिए स्टिक को। फिर से इस स्टिक को सिर के ऊपर से घुमा के खड़ा कर दीजिए। ओके, अभी नी राइज करना है, राइट नी राइज करना है और राइज करके स्मूथली कैट स्टैंड से बैठिए। बैठ के हैंड लेफ्ट हैंड शूटो ब्लैक ओपन हैंड नाइफ पुश करिए और यहाँ से रखिए ओपन हैंड पुश करके। इसके बाद आके आप रोटेट करना चाहिए, यहाँ से रोटेट करिए, राइट हैंड ऊपर होना चाहिए आपका और यहाँ से रोटेशन शुरू होती है। 6-7 बार कर लीजिए और इसके बाद पैर के साथ मिला के मारिए। हेड अटैक हो गया और इसके बाद थोड़ा सा पीछे करके फोक कर लीजिए और यहाँ से लेके आगे बढ़िए, वन स्टेप मूवमेंट और ऊपर करके नीचे मारिए, जमीन पर मारिए और यहाँ से लेकर ऊपर लेके आके फोक करिए और यहाँ से एक स्मॉल सर्कुलर मूवमेंट होती है, तो इस सर्कुलर मूवमेंट को घुमा के स्टॉप करिए और यहाँ से आप आगे बढ़िए, फिर से ऊपर अटैक एंड एक फोक कर लीजिए। फोक करने के बाद फिर से अगेन सेम पोजीशन को आइए, अटैक हो जाएगा। अटैक होने के बाद आहिस्ता आपको नीचे बैठना पड़ेगा पैर पर मारने के लिए और पैर पर मार के यहाँ से आपको उठ जाइए, एक स्मॉल रोटेशन करिए, रोटेशन करते करते आगे जाइए और पीछे करिए, लेफ्ट लेग पीछे करके फिर से मारिए। मारने के बाद वन स्टेप बैक अपर ब्लॉक करिए और आगे बढ़ के फिर मारिए हेड अटैक। हेड अटैक के बाद आप नी को रेस करेंगे, लेफ्ट लेग नी रेस करेंगे और यहाँ से मुंह करके टर्न करेंगे, एक ट्विस्ट टर्न करेंगे और फोक कर देंगे और यहाँ से अपर ब्लॉक करेंगे और अपर ब्लॉक के बाद यहाँ से साइडवर्ड पोजीशन बताएंगे आपका और यहाँ से वन स्टेप मूव करेंगे और लकड़ी घुमाएंगे, फिर से एक बार फोक कर देंगे, यहाँ से फिनिशिंग रोटेशन आएगा। वन स्टेप आगे बढ़ेंगे, टू स्टेप हो गया खत्म और लकड़ी कैच करेंगे और यहाँ से रोटेट शुरू हो जाएगी आपकी ये रोटेशन। वन स्टेप आगे जाएंगे और ब्लॉक करके यहाँ से खड़ा कर देंगे, बस पोजीशन बताएंगे, खत्म हो गया आपका स्टिक मूवमेंट। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स लिखिए। थैंक यू वेरी मच।